पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए फेसबुक लिंक्स के लिए और रेसिपी के लिए, और बाकी यमी फूड पर क्लिक कीजिए मेरी सारी वीडियोज़ देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप सब खैरियत से होंगे। अगेन से शेफ हमारे साथ हैं नुज़हत काशिफ। पहले भी एक वीडियो बनाई माशाल्लाह, बहुत सारे ऐसी फरमाइशें हमारे मेम्बरान ने बोला कि भाई आप इनको दोबारा बुलाएं और इनसे कुछ और सीखने को मिलेगा, और ये हमारे साथ आज दोबारा मौजूद है और मैं खुद भी इनसे सीखूँगा क्योंकि वो मैंने भी ट्राई किया, घर पर बनाया, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। आज आप क्या सिखाएंगे लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, आज हम जस्ट सिंपल ग्रिल चिकन विद मशरूम क्रीम सॉस बना रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल साइड से ये रेसिपी है और सिंपल एंड इजी विद कम स्पाइसेस, कम इंग्रेडिएंट्स, और बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद मैरिनेशन, सही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ शो कर दूं कि ये मैंने थाई का बोनलेस लिया है, सर जो चिकन का थाई होता है मैंने उसका बोनलेस लिया, इसमें बहुत ज़बरदस्त और जूसी ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, मैरिनेशन के लिए सिंपल कुछ भी नहीं, हम सीजनिंग ऐड करेंगे, सॉल्ट, ठीक। कितना सॉल्ट? कितना सीजनिंग पर टेस्ट है, कोई मतलब वो नहीं, जितना आप लेना चाहें उस हिसाब से। हाँ, ठीक है, सॉल्ट पेपर पर टेस्ट ही होता है नॉर्मली। और सोया सॉस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारे पास टी स्पून है तो हम 8 डालेंगे, 8 कर देंगे, डबल कर देंगे ना, डबल करेंगे। 2 टेबल स्पून, 2 टी स्पून इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून, ठीक है। जस्ट हमने इसको कर लिया, अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें हम जो हमारी ये चिकन है इसको मैरिनेट करके तकरीबन आप छोड़ दीजिए 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा। 1 से 1.5 घंटे के लिए? जी। ओके। थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल भी ऐड करूँगी, ऑलिव ऑयल हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो हम नॉर्मल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, ये चिकन जो बोनलेस है ये 1 kg चिकन है, ठीक है। अच्छा, 1 kg था ये, राइट, सही। अब इसको मसाज कर दें अच्छा सा, ठीक है। ये अच्छा सा हमने मैरिनेट करा था, ये देखें, ये जितनी देर मैरिनेशन के लिए रखेंगे उतना टेंडर हो जाएगा। ग्रिल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ग्रिल पैन में, अदरवाइज़ हम इसे फ्राई पैन में दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको। बहुत कम तेल में करना है इसको, ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सही, ग्रिल करेंगे तो ये ग्रिल चिकन हो जाएगा। इसमें तो बहुत मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान रेसिपी है, बहुत इजी। कॉन्टिनेंटल साइड की तकरीबन रेसिपीज बहुत इजी होती है, झटपट रेसिपी है। झटपट रेसिपी है। अच्छा, अब हम इसको शेफ चेंज कर देंगे, राइट? ठीक है, मैंने कहा सर को थोड़ा सा सिखाऊं मैं भी ना, ताकि भाभी खुश हों कि हाँ भाई कुकिंग भी आती है हमारे सर को, कुछ सीख कर आए हो, कुछ सीख कर आए आज। चलें, इसको थोड़ा सा और टाइम देते ताकि ये, ठीक है, इसको ओवर कुक नहीं करना है, बस ये टेंडर हो जाए जैसे ही, तो इसको निकाल लेना है। अगर ओवर कुक करेंगे तो ये जूसी नहीं रहेगा सर, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वैसे ही हमने इसका टेंडर पार्ट लिया है चिकन का, तो इसको बिल्कुल भी ओवर कुक ना। अब हम इसका सॉस बना रहे हैं मशरूम क्रीम सॉस, ठीक है सर। उसके लिए हम बटर में मशरूम को थोड़ा सा टॉस करेंगे, ठीक है। क्या बटर भी बस अपने हिसाब से लेना हमें? हाँ, बस जरा सा लेना, ज़्यादा नहीं लेना, बहुत, ठीक है। तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना ले लें आप। मेल्ट हो गया तो अब इसमें चॉप्ड मशरूम ऐड करेंगे, ठीक है। इसकी कोई क्वांटिटी है? ये सॉस के ऊपर है कि आप कितना ले रहे हैं, तो इसमें मैंने 1/2 कप जितना लिया है मशरूम, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 1 कप से अबव क्रीम है, 1 पैकेट तकरीबन मेरे पास क्रीम है, इसलिए इसको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे लाइट, ठीक है। ये थोड़ा सौते करेंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी क्रिस्पी की तरफ लाइट सा आने लगेगा, बस 5 मिनट तकरीबन। हमें कैसे पता लगेगा कि क्रिस्पी हो गया, या तो चेक किया जाएगा? चेक नहीं किया जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा कलर गोल्डन की तरफ आने लगेगा और ये पट पट बोलने लगेगा, तो ये डन है, तो ये डन है, ठीक है, सही। अच्छा, ये मशरूम हमने फ्राई कर लिए, उसके अलावा हमने एक बोल सॉस पैन में अलग से हमने क्रीम लिए, टेट्रा पैक की क्रीम लिए, टेट्रा पैक की क्रीम कर रखी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कुछ ऐड कर रहे हैं? हाँ, इसमें हम सॉल्ट पेपर सीजनिंग ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा सिमर करेंगे, इसको बॉयल नहीं देना है, जस्ट इसको लाइट से सिमर करना है। सॉल्ट डाला मैंने, अब इसमें मैं ब्लैक पेपर डाली हूँ, वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, बिग डील, ठीक है। बहुत लाइट सीजनिंग रखेंगे क्योंकि हमें क्रीम का फ्लेवर दबाना नहीं है। देखें, इसमें हल्का सा बबल आने लगा, ये सिमर हो गए। अब इसके अंदर हम जो हमने ये मशरूम फ्राई किए थे, सौते किए थे, हम ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपका रेडी है मशरूम क्रीम सॉस, ओके, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी टेम्प्टिंग।
लग रहा है वाकई वेरी इजी है, लेकिन जब बनाएंगे तो पता लगेगा कि टेस्ट, इसको खाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या चीज़ बनाई। क्रीम लवर्स के लिए तो बेहतरीन है सर। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा सॉस रेडी है, अब हम इसकी प्रेजेंटेशन बता रहे हैं। ओके ठीक, जो हमने चिकन फ्राई किया ये हम लगाते हैं, ठीक है, लाइक दिस। गुड, सही, बेहतरीन, ठीक ठीक है। ये हमने चिकन सेट कर लिया सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम इस पर सॉस पोर कर देंगे। ठीक है, ये सॉस इसकी जान है। ओके, जो लोग मशरूम नहीं भी खाते ना वो खाने लगेंगे। वेरी गुड, कर दिया। ठीक है, ये साथे वेजिटेबल मैंने बनाई है, मैं बता देती हूँ सर कैसे बनाई है। ठीक है, जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया है, वेजिटेबल्स को बॉईल किया था और बटर के साथ इसको सौते किया था और साथ में इसको सीजन कर दिया था सॉल्ट पेपर से, नथिंग एल्स। ओके, बहुत ही सिंपल और इजी वे से मैंने इसको डन किया है। सर डाल रही हूँ, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, इससे इसका अरोमा भी बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा लुक आ जाएगा। ठीक है, मिक्स हर्ब, ड्राई हर्ब, ये आपकी रेसिपी ऑलमोस्ट डन है। माशाल्लाह, अब इसको खा के बताएंगे कि कैसा बना है। आलू बॉय को बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह, अब इसको टेस्ट करके मैं बताऊंगा कि वाकई आपने अच्छा बनाया है। दिखने में बहुत अच्छा है, आप लोग लाइक कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि अच्छा काफी रेस्टोरेंट कैसे लगे। बहुत ही इंजॉय का आप इंजॉय करेंगे। तो हमें याद रखिएगा कि हमारी अल्लाह।